2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार 3 दिनों तक दिल्ली में रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 11 विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। नीतीश 11 नेताओं से मिले, लेकिन उनको अपने मकसद में क्या मिला, क्या हासिल हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पहली और एनसीपी नेता शरद पवार से उनकी आखिरी राजनीतिक मुलाकात हुई। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सबका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रहा। उन्होंने कहा कि सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो देश के लिए अच्छा होगा। खुद की पीएम दावेदारी पर नीतीश ने कहा कि उनको अगवा नहीं बनना है, सबको साथ लाना है। नीतीश जब अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव से मिलकर निकले तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि हम सबका विचार है कि सबको मिलकर आगे बढ़ना है। नीतीश ने अखिलेश के लिए कहा कि वो आगे यूपी का नेतृत्व करेंगे। वहीं आप नेता अरविंद केजरीवाल से बैठक के बाद कहा कि तमाम मसलों के साथ बीजेपी के ऑपरेशन लोटस और विधायकों को तोड़कर या खरीदकर सरकार गिराने पर चर्चा हुई। नीतीश के सारे बयान पर गौर करने लायक बात यह है कि जिसे पीएम बनना होगा आपस में बात करके चुन लिया जाएगा। असल में सबकी दिलचस्पी इस बात में है कि पीएम पद की हसरत रखने वाले कई विपक्षी नेताओं को एक गठबंधन में कैसे लाया जा सकता है। बात चाहे राहुल गांधी की हो या अखिलेश यादव की, अरविंद केजरीवाल की हो या ममता बनर्जी की, विपक्षी गठबंधन को लेकर सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी शंका यही है कि प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले कई नेता एक साथ कैसे आएंगे। बहरहाल नीतीश को दिल्ली के 3 दिन के इस दौरे में इस सवाल का जवाब नहीं मिला, ये तो तय है। लेकिन नीतीश का ये कहना कि सबका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, ये जरूर बताता है कि विपक्ष के सारे नेता ये चाहते भी हैं कि बीजेपी से लड़ाई में सब साथ रहे, उसमें ही सबकी भलाई है। लेकिन विपक्षी नेता ये भी जानते हैं कि बीजेपी से पार पाना बहुत मुश्किल है।